नमस्कार, मैं जनमत तस्वीर गौतम। बड़ी खबर आ रही है कि आज भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा और राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा ने कांग्रेस पार्टी और उसके शाही खानदान के ऊपर करारा हमला बोला है। जिस तरीके से राहुल गांधी और उसकी मां सोनिया गांधी भारत सरकार भारतीय सेना के ऊपर सवाल उठा रही थी, उसके बाद इन दोनों भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेताओं ने इन दोनों माँ बेटों के अलावा उनके तमाम चमचों को आईना दिखा दिया है। जगत प्रकाश नड्डा की अगर बात की जाए तो उन्होंने कहा कि भारत का जो एक नकारा और बेदखल किया हुआ शाही परिवार है वो देश को गुमराह करने की कोशिश कर रहा है। इस शाही परिवार ने जो अपने आप को राजवंश समझता है, खुद को पूरा का पूरा विपक्ष मान लिया है, जबकि ये विपक्ष का एक कुछ हिस्सा है और पूरा विपक्ष आज सरकार के साथ है, सेना के साथ है, लेकिन ये नकारा और बेदखल किया हुआ खारिज किया हुआ शाही खानदान खुद को इस देश का राजा मानने की भूल कर रहा है। उन्होंने आगे कहा कि जिस तरीके से सर्वदलीय बैठक हुई थी उसमें सभी विपक्ष का अधिकार होता है कि वो सवाल पूछे, सरकार ने उनके सवालों को सुना और सरकार की बातों को भी तमाम विपक्षी पार्टियों ने सुना, लेकिन इस अकेलौते परिवार और इसके दरबारियों को ये बात पसंद नहीं थी। बाकी विपक्षी पार्टियां सरकार के साथ थी, उन्होंने सुझाव भी दिए और सरकार के साथ साथ सेना की पीठ भी थपथपाई, लेकिन ये इकलौता ऐसा घराना था जिसको आप कुछ भी कह सकते हैं, उसके चाटुकार दरबारियों ने और इसने देश के ऊपर सवाल उठाना जारी रखा, जबकि हकीकत यह है ये वही घराना है जिसकी वजह से देश को बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। आज ये गलवान घाटी में चीन के कब्जे की बात करते हैं, लेकिन हकीकत तो ये है कि इन्होंने देश का एक बहुत बड़ा भूभाग चीन और पाकिस्तान को मुफ्त में दे दिया, उसके बाद कभी उसको वापस लेने की कोशिश नहीं की। सीधे तौर पर इसकी डिटेल फिर बाद में संबित पात्रा ने एक पुराना जो स्टार्ट नॉन स्टार्ट क्वेश्चन होता है लोकसभा के अंदर उसको संबित पात्रा ने आगे रखा और जिसके तहत एक बहुत बड़ा खुलासा हुआ जो लोगों को ज़्यादातर पता नहीं है, और इस खुलासे के तहत भारत का लगभग 1,20,000 किलोमीटर के करीब का हिस्सा, जिसमें से ज़्यादातर हिस्सा जम्मू एंड कश्मीर के राज्य का था, उसको चीन और पाकिस्तान ने हड़प लिया। इसमें 78,000 किलोमीटर का हिस्सा पाकिस्तान ने हड़प लिया, 38,000 किलोमीटर का चीन ने हड़प लिया और करीब 5,500 किलोमीटर का जो हिस्सा था वो पाकिस्तान ने चीन को दे दिया, जहां से होकर आज चीन CPEC बना रहा है, यानी कि चीन पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। और इसी को लेकर आज भी जो विवाद है उसकी जड़ भी इसी में समाहित है, क्योंकि चीन जिस हिस्से को अक्साई चीन कहता है ये वही 38,000 किलोमीटर का हिस्सा है, और उसके अलावा जिस तरीके से 2004 से लेकर 2014 के बीच में मनमोहन की सरकार ने भी करीब करीब 5,000 किलोमीटर के हिस्से पर चीन के कब्जे को मान लिया था, उसके अलावा एक और बड़ा खुलासा जगत प्रकाश नड्डा ने किया, और वो ये खुलासा था कि मीडिया रिपोर्ट आई थी 2017 में जिसके तहत श्याम शरण जो कि विदेश सचिव रह चुके हैं उन्होंने एक किताब लिखी थी, और कि उस किताब में उन्होंने दावा किया था कि 2006 में मनमोहन सिंह की सरकार पाकिस्तान के साथ एक एग्रीमेंट करने वाली थी जिसके तहत सियाचिन, जिसको कि दुनिया के सबसे ऊँची युद्ध क्षेत्र कहा जाता है, यानी कि लड़ाई का स्थान, उस सियाचिन ग्लेशियर को पाकिस्तान को देने के लिए मनमोहन सिंह जैसा व्यक्ति राजी हो गया था और उसके पीछे था यही खानदान, क्योंकि मनमोहन सिंह की उस सरकार में कुछ नहीं चलती थी, वो एक मोहरा थे और मोहरे ने इस खानदान के कहने पर सियाचिन ग्लेशियर को पूरी तरह पाकिस्तान के हवाले करने की ठान ली थी, क्योंकि ये कहा जाता है कि सियाचिन ग्लेशियर पर जितने जवान गोली से मरते हैं उससे ज़्यादा जवान प्राकृतिक प्रकोप से यानी कि ठंड से मर जाते हैं, और इसी का समाधान ढूंढने के लिए मनमोहन सिंह ने भारत की पावन भूमि का वो हिस्सा पाकिस्तान जैसे नापाक देश को देने की ठान ली थी, लेकिन उसमें अड़ंगा लगाया था MK नारायणन ने, जो कि उस समय पर राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार थे, उसके अलावा सेना का भी दबाव था, अन्यथा ये पूरा का पूरा जो गांधी नेहरू परिवार है और इसका जो मोहरा था मनमोहन सिंह वो उस पावन भूमि को नापाक पाक को दे चुके होते अगर ये MK नारायण न रहे होते या फिर सेना का दबाव उस समय मनमोहन सिंह को मजबूर न करता।
तो इस तरीके के पुराने किस्से सामने आते रहते हैं और उसके बाद आपको पता चलता है कि कांग्रेस का घिनौना चेहरा किस कदर जलील है और किस कदर ये लोग देश के बारे में सोचते हैं। अगर बात की जाए उस भूमि की जो कि पाकिस्तान ने हड़प ली, जिसको कि पीओके और गिलगित बाल्टिस्तान कहा गया, 78,000 किलोमीटर, यानी कि अगर बात की जाए क्षेत्रफल के हिसाब से तो जितना बड़ा तेलंगाना है, तेलंगाना राज्य की बराबर का भूभाग पाकिस्तान ने हड़प रखा है। और अक्साई चीन जिसे नाम दिया है चीन ने, उसके क्षेत्रफल की अगर हम तुलना करें तो केरल का जो भूभाग है वो करीब करीब उतना ही है जितना के अक्साई चीन के तौर पर चीन ने हड़प रखा है। उसके अलावा जो हिस्सा पाकिस्तान ने चीन को दिया वो गोवा के क्षेत्रफल से लगभग 2 गुने के बराबर है, यानी कि भारत के 3 राज्यों के बराबर की भूमि को इन कांग्रेसियों ने चीन और पाकिस्तान के द्वारा हड़पे जाने के बाद भी चुप्पी साधे रखी। और एक तरफ जब नेहरू जैसे लोगों से सवाल पूछे जाते थे इसको लेकर, तो वो ये कहता था कि इस भूमि पर एक तिनका भी नहीं उगता है तो क्या जरूरत है हमें इस भूमि की। वहीं दूसरी तरफ अगर गिलगित बाल्टिस्तान की बात की जाए, पीओके की बात की जाए, पीओके एक छोटा हिस्सा है, गिलगित बाल्टिस्तान बड़ा हिस्सा है, उसे दुनिया का बेहतरीन और खूबसूरत ज़मीन के तौर पर देखा जाता है। उसकी खूबसूरती के जो नज़ारे हैं उन्हें देखकर आज भी भारतवासियों को अफसोस होता है कि अगर जवाहरलाल हमारा प्रधानमंत्री न होता तो ये ज़मीनें हमारे ही देश का हिस्सा रही होती। हिस्सा वो आज भी हैं लेकिन उन पर अधिकार अभी पाकिस्तान का है, जिसको लेने की बात संसद में गृहमंत्री अमित शाह भी कर चुके हैं और मोदी सरकार पहले भी कह चुकी है, जिसकी वजह से चीन को बहुत ज़्यादा झटका लगा और चीन को ऐसा लगा कि अगर भारत पीओके और बाल्टिस्तान पर कब्जा करेगा तो निश्चित तौर पर वो अक्साई चीन, जिसे चीन कहता है अक्साई भारत, यानी पूर्वी लद्दाख को भी अपने राज्य में मिलाने की कोशिश करेगा, जो कि चीन के लिए बहुत बड़े खतरे की घंटी होगी। कांग्रेस पार्टी ने कभी इस तरीके की बातें नहीं की, कांग्रेस पार्टी को कभी इससे मतलब नहीं था। एक और जिक्र किया जगत प्रकाश नड्डा ने, और उन्होंने कहा कि किस तरीके से कांग्रेस के एक मंत्री ने संसद में जवाब दिया था कि हम बॉर्डर के आसपास कोई सड़क नहीं बना रहे क्योंकि सड़कें बनाने से बॉर्डर की सुरक्षा खतरे में पड़ जाती है। अब पूरी दुनिया की जो सैन्य विज्ञानी है या जो टेक्निकल मिलिट्री एक्सपर्ट होते हैं वो तो कहते हैं कि आपको इंफ्रास्ट्रक्चर अपनी सीमाओं के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा मजबूत करना चाहिए, लेकिन इस मनमोहन सिंह के जो मंत्री थे, मनमोहन सिंह की जो सरकार थी, सोनिया के जो इशारों पर चलने वाली सरकार थी, वो ये कहती थी कि आप जितना कम डेवलपमेंट करेंगे बॉर्डर उतना ही सुरक्षित रहेगा, यानी कि ये उल्टी चाल चलने वाली सरकार थी जिसकी वजह से, जिसकी गलत नीतियों की वजह से देश को बहुत नुकसान हुआ। और अब जब इन्हें जनता ने नकार दिया है, खारिज कर दिया है, बेदखल कर दिया है सत्ता से, उसके बाद ये लोग देश की सेना का मनोबल गिराने का काम कर रहे हैं, देश की सरकार पर सवाल उठाने का काम कर रहे हैं और एक तरीके से चीन को फायदा पहुंचाने का काम कर रहे हैं, जिस पर आज बीजेपी ने करारा हमला बोला है। और उसके साथ साथ उन्होंने पुरानी जो बातें सामने रखी हैं उससे अब लगता है कि कांग्रेस को अपने शर्म अगर थोड़ी बहुत है तो इन्हें माफ़ी मांगनी चाहिए देश से, लेकिन उम्मीद नहीं है और ऐसा होगा भी नहीं, क्योंकि राहुल गांधी जिस तरीके से तमाम झूठ पर झूठ बोले जा रहे हैं, इसकी तरफ भी आज इशारा किया जगत प्रकाश नड्डा ने और ये कहा कि इस शाही परिवार का एक चश्मो चिराग है जो अपनी राजनीति चमकाने के लिए तमाम झूठ पर झूठ परोसता रहता है और उसके जो चाटुकार और चमचे हैं उसी झूठ को पूरे देश में गंदगी की तरह फैलाना शुरू कर देते हैं, लेकिन उसके बाद जब उनके झूठ का पर्दाफाश होता है तो फिर वो बिलों में छुप जाते हैं, यानी वो जवाब भी नहीं देते, वो उसके लिए माफ़ी भी नहीं मांगते। और इसी तरीके की बात कल सोनिया गांधी ने भी कही। सोनिया गांधी ने एक बात को फिर से रिपीट किया और ये कहा कि भारत के 20 सैनिक मारे गए, 85 से ज़्यादा घायल हुए और 10 सैनिकों को चीन ने अपने कब्जे में कर रखा है, जबकि चीन पहले ही कह चुका है कि भारत का एक भी सैनिक उसके कब्जे में नहीं है। भारतीय सेना पहले स्पष्ट कर चुकी है कि हमारे सभी सैनिक वापस आ चुके हैं, हमारा कोई भी सैनिक चीन के भी कब्जे में नहीं है, जबकि चीन की तरफ से 25 सैनिकों को भारत ने कब्जे में लिया जिन्हें बाद में छोड़ा गया था। चीन के एक सैन्य कमांडर के मरने की भी बात थी और इसको लेकर अमेरिकी खुफिया विभाग के तमाम खुलासे भी सामने आए, लेकिन कांग्रेस
कभी उन खुलासों को नहीं मानती है, बल्कि कांग्रेस ऐसे दावों को मानती है जो हिंदू अखबार या इंडियन एक्सप्रेस जैसे अखबारों में प्रोपोगेंडा के आधार पर छपते हैं और उसके आधार पर वो सरकार पर सवाल उठाती है, सेना की सक्षमता के ऊपर सवाल उठाती है, सेना की ताकत के ऊपर सवाल उठाती है, और वो ये भूल जाती है कि सेना की ताकत पर सवाल उठाने का मतलब होता है दुश्मन को फायदा पहुंचाना, और दुश्मन को फायदा पहुंचाने की कांग्रेस की पुरानी नीति है जिसका जिक्र आज संबित पात्रा ने भी किया, जिसका जिक्र आज जगत प्रकाश नड्डा ने भी किया और पूरे देश को एक बार फिर से बता दिया कि किस तरीके से कांग्रेस सियाचिन ग्लेशियर की उस पावन भूमि को पाकिस्तान को देने की योजना बना रही थी। कांग्रेस की सोच ये थी कि ये लड़ाई की जो जड़ है इसको अगर हम दे देंगे तो हमें खर्चा नहीं करना पड़ेगा, अपने जवानों को सियाचिन ग्लेशियर पर नहीं भेजना पड़ेगा। ये वही नीति थी जिसके तहत जवाहरलाल ने अक्साई भारत के हिस्से पर चीन द्वारा कब्जा किए जाने का कोई प्रतिरोध नहीं किया था, बल्कि वो चाउ एन लाई के साथ में हिंदी चीनी भाई भाई का नारा लगाता हुआ देखा गया था, और जिस तरीके से उसका एक जो रक्षा मंत्री था जिसको बाद में लोगों ने नशेड़ी तक कहा और ये कहा था कि अगर उसकी जगह कोई सही आदमी रक्षा मंत्री रहा होता तो शायद भारत की सेना उन सीमित संसाधनों से भी चीनियों को हरा सकती थी, लेकिन उस कृष्णा मेनन की गलतियों की वजह से भारतीय सेना को हार का मुंह देखना पड़ा। भारत के इतिहास का सबसे पुराना और सबसे पहला घोटाला भी कृष्णा मेनन के द्वारा ही हुआ था, जो सेना के लिए जीपें खरीदी गई थी उसमें एक बड़ा घोटाला निकलकर सामने आया था जिसके लिए जवाहरलाल को शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा था। तो ये कांग्रेस का पुराना चरित्र है, पुरानी इनकी आदत रही है, ये देश के हित में नहीं बल्कि दुश्मनों के हित में काम करते हैं और इसमें मलाई खाने का दलाली खाने का इनका पुराना रिवाज रहा है। यही वजह है कि आज सोनिया हो या उसका बेटा राहुल या फिर उसका दामाद रॉबर्ट वाड्रा, इन सभी के ऊपर भ्रष्टाचार के तमाम केसेस चल रहे हैं और कई केसेस में तो ये खानदान पूरा का पूरा जमानत पर भी है। तो जमानत पर चलने वाले इस खारिज किए हुए बेदखल किए हुए खानदान के ऊपर आज जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने इसका कच्चा चिट्ठा खोल कर रख दिया है, उसके बाद लगता है कि जनता की नजरों में इनकी जो थोड़ी बहुत इज्जत है वो भी खत्म हो जाएगी। जय हिंद, जय भारत।